मेरे प्यारे साथियों नमस्कार आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन लेके और ये सभी पर्सन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आपको डेली राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है राजस्थान में निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना का आरंभ कब किया गया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से आप लोग याद कर लीजिएगा कि राजस्थान के अंदर निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना का प्रारंभ कब किया गया तो ये किया गया था दो के अंदर आठ मार्च दो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी एन यू एच एम का विधिवत आरंभ कब हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ध्यान दीजिएगा राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी एन यू एच एम का जो आरंभ है वो कब हुआ था ये हुआ था दो हज़ार चौदह के अंदर तेरह दिसंबर दो हज़ार चौदह आपको डेट भी याद होनी चाहिए ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब और कहाँ हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि पच्चीस में से आपके कितने सही बह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी के आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा तो राजस्थान के अंदर ग्राम सॉरी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब और कहाँ हुआ था तो आरंभ हुआ था जयपुर के अंदर कब हुआ था दो के अंदर तीस मई दो जयपुर ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं राजस्थान में बीकानेर के राठौड़ विख्यात के लेखक कौन है राजस्थान में बीकानेर के राठौड़ विख्यात के लेखक कौन है तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा दयालदास क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं निम्न में से राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है मेवाड़ का पिता भीषम पितामा या फिर राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है दोनों अलग अलग उत्तर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा राजस्थान का भीषम किसे कहा जाता है राणा कोमा को राजस्थान का भीषम कहा जाता है ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध रचना जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है जैसलमेर का गुंडा राज बहुत फेमस बुक है और इसके लेखक कौन है सागरमल गोपा ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा किसकी उपाधि थी डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा जो उपाधि थी वो किसकी थी इन चारों में से जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा तो बापा की जो उपाधि थी वो कालभोज की थी ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा किसके अनुसार डॉक्टर ओझा के अनुसार क्वेश्चन नंबर एट की बात करें राजस्थान में प्रसिद्ध बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे राजस्थान में फेमस है बिश्नोई समाज जो कि उसके संस्थापक आपको बताना है कौन थे जम ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश की रचना राजस्थान में कहाँ की गई दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना वह राजस्थान में किस जगह पे की गई जयपुर जोधपुर करौली या उदयपुर तो ये उदयपुर जिले के अंदर ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है तो जालोर दुर्ग ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा जालोर दुर्ग को कांचनगिरी भी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ग्यारह की बात करें मत्स्य संघ को उन्नीस में राजस्थान का भाग किस तिथि को बनाया गया मत्स्य संघ को उन्नीस में राजस्थान का भाग की तिथि को बनाया गया, गया। पंद्रह मई को ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर बारह की बात करें राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है गीदड़ नृत्य ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर तेरह की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर को सूत्रपात हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का राजस्थान के किस शहर से सूत्रपात हुआ था उदयपुर कोटा जोधपुर या जयपुर इस तरह के राजस्थान जी के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको डेली राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेज मिलती रहेगी अगर आप हमारे हर एक वीडियो देखते तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दो से चार नंबर पक्के हो रहे हैं क्योंकि एक से दो क्वेश्चन बन सकता है इन सभी क्वेश्चन में से तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी जोधपुर क्वेश्चन नंबर चौदह की बात करें राजस्थान में बादशाह का मेला कहां लगता है राजस्थान के अंदर बादशाह का मेला फेमस है जो कि कहां पे लगता है बयावर में लगता है ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करें राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था राजस्थान संघ का जो अंतिम निर्माण है वो हुआ था अट्ठारह अप्रैल उन्नीस अड़तालीस को ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा राजस्थान संघ का जो अंतिम निर्माण एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है आप लोग याद कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सोलह की बात करें राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पे किस लोक देवता की पूजा की जाती है राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पे किस लोक देवता की पूजा की जाती है तो बाबू जी की पूजा की जाती है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर सत्रह की बात करें राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नामकरण जो है कब दिया गया था एक नवंबर उन्नीस को ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर अट्ठारह की बात करें कालेबंगा संस्कृति की खोज उन्नीस सौ इक्यावन में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में तीन चार बार रिपीट हो चुके हैं आगे भी पूछा जा सकता है कालेबंगा संस्कृति की जो खोज है उन्नीस सौ इक्यावन में सबसे पहले किसके द्वारा की गई अमलांत घोष ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर उन्नीस की बात करें निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो पंडित किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर बीस की बात करें कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे कालीबंगा सभ्यता के जो लोग है वह किस लिपि का प्रयोग करते थे सेंधो लिपि का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस की बात है भारत का वह है कौन सा नगर जिसका ब्लू प्रिंट तैयार किया गया भारत का कौन सा नगर है जिसका ब्ल्यू प्रिंट किया गया था जयपुर देहरादून रांची या सीकर तो ब्लू प्रिंट जो कि जयपुर का तैयार किया गया था ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन भारत का टाटा नगर किस को का है? भारत का जो कि किस शहर को कहा जाता है रेंड को कहा जाता है जो कि टोंग जिले में आता है ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा बहुत अच्छा प्रश्न है याद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर तेईस की बात करें ऐसे दस किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को लेकर कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यह कथन बहुत फेमस रहा एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बन चुका है कि मैं ऐसे दस किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता ये कथन जो है जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को लेके कहा था यहाँ पर ध्यान दीजिए कथन किसने कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के बारे में कहा था रणथमोर किले के बारे में ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर चौबीस की बात करें चीनी यात्री हेंगसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की थी हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री बहुत फेमस रहा है और ये राजस्थान में इन्होंने किस नगर की जो है यात्रा की थी तो भीनमाल की की थी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर पच्चीस की तरफ बढ़ते हैं राजस्थान इतिहास के लिए कौन सा एक निर्णायक युद्ध माना जाता है पूरे राजस्थान इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसकी अहम भूमिका मानी जाती है जो कि खानवा का युद्ध है ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा खानवा के युद्ध को राजस्थान इतिहास का एक निर्णायक युद्ध का रूप माना जाता है अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है इसका आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो अभी आप लोग कोशिश कीजिएगा क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर देना और किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई राय सुझाव या डाउट हो आप लोग कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं और डेली राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना आपको रोजाना राजस्थान जी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक